नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर के साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर क्लोरीन गैस लीक से भोपाल में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर क्रेन से 1 टन के सिलेंडर को पानी में डालकर किया गया है ब्लॉक, और इसके साथ ही कई इलाकों में पानी सप्लाई भी बाधित हुई है। भोपाल की एक बस्ती में ये घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक बस्ती में क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप मच गया है और सांस लेने में भी तकलीफ और आंखों में जलन के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। घरों से बाहर निकलकर सड़क पर इकट्ठा हो गए हैं। अचानक हुए इस गैस कांड की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली और कलेक्टर और नगर निगम कमीशन मौके पर पहुंच गए, और गैस लीक के बाद सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने के चलते 3 लोगों को हमीदिया अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है, जिनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। क्लोरीन गैस लीकेज की घटना बुधवार रात भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी बस्ती में हुई है। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद बस्ती के लगभग सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी और कुछ ही देर में मौके पर नगर निगम की एक टीम पहुंच गई। तो भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमीशन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, और नगर निगम की टीम को शुरुआती जांच के बाद पता चला कि क्लोरीन गैस का लीकेज बस्ती के पास ही बने वाटर फिल्टर प्लांट से ही हो रहा है, और प्लांट में लगे करीब 900 किलोग्राम के सिलेंडर का नोजल खराब हो गया था, इसलिए इस सिलेंडर से गैस लीक को घटना जो है वो हुई। तो भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गैस लीक का मामला सामने आया है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, आंखों में जलन महसूस की गई है, और यहां तक कि 3 लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां पर सपा विधायक आजम खान का आज आएगा कोर्ट का फैसला। उन पर आज कोर्ट का फैसला आने जा रहा है। आजम खान पर सपा के विधायक हैं आजम खान। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका मामला है जिस पर आज फैसला आएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी उन्होंने की थी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को ही फैसला आएगा, और रामपुर की MP MLA कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। इसको लेकर पिछली तारीख पर ही दोनों ही पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ही 27 अक्टूबर को अगली तारीख तय की थी। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर की MP MLA कोर्ट में ही आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी, और ये मामले 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तब कथित रूप से ही आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में ही एक चुनावी भाषण दिया था। आपको बता दें कि विधानसभा में उन्होंने एक चुनावी भाषण दिया था, और उन पर आरोप है कि इस दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियाँ की थी, जिस पर रामपुर के मिलक थाने में ही FIR दर्ज की गई थी। आजम खान के अधिवक्ता ने बताया है कि ये सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और ये भाषण साबित भी नहीं है। अदालत में विपक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे वो उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से कहीं से कुछ साबित नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण देने का मामला है सपा विधायक पर, आजम खान पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने हेड स्पीच के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये पूरा सपा विधायक के खिलाफ राजनीति के कारण फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा विधायक पर टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिस पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि NCERB के आंकड़ों में ही यूपी की छवि बनी है बेहतर, और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर NCERB के आंकड़े जो है वो सामने आ गए हैं, जिसमें यूपी की छवि जो है वो बेहतर बताई जा रही है। योगी मॉडल से बदली प्रदेश की तस्वीर, ऐसा कहा जा रहा है। साइबर क्राइम के मामले में भी कमी दिखाई दी है। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के
उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के नजीर जो है वो बना हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति सख्त तेवर का असर भी इन आंकड़ों में साफ देखने को मिल रहा है। और योगी मॉडल से प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है और यूपी की जनता सुरक्षित हुई है, चाहे संगठित अपराध की बात हो या फिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, सभी में कमी देखने को मिली है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में ही घटकर 16,838 हो गए, यानी बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई है। और उसी तरह 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो थे 59,853 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 56,083 हो गए। और 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। तो बड़ी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर NCRB के जो आंकड़े हैं वो सामने आए। तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है और कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर PM ध्यान दे फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर PM ध्यान दे और पंडितों पर हमले को लेकर भी सर्वदलीय बैठक हो। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कह दिया है, आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नहीं सुधरे हालात तो जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं रहेंगे। बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया है, जहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। साफ तौर पर उन्होंने BJP पर हमला करते हुए बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं सुधरे हालात तो जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं रहेंगे। आपको बयान बता दें जहां पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है, आपको बता दें कि पंडितों पर हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक हो, ऐसा फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने कह दिया है कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर PM ध्यान दें। बड़ी बात कह दी है जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने। उनका बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने BJP को घेरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो मुश्किल हो सकती है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोटों के सीरीज पर बाबा साहेब की तस्वीर होनी चाहिए। आपको बता दें कि केजरीवाल ने भी बड़ा बयान दिया था दिवाली के अवसर पर। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगनी चाहिए। उसके बाद अब राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नोटों के सीरीज पर बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, एक तरफ बापू दूसरी तरफ बाबा साहब की तस्वीर हो, ऐसा कह रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए नोट पर, और नोट पर तस्वीर को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। जब से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी नोटों पर भी भगवान गणेश और लक्ष्मी का फोटो प्रकाशित करने की मांग की है और देश में बहस छिड़ गई है, और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने इस डिबेट को नया मोड़ भी दे दिया है। उन्होंने आज सुबह ही केजरीवाल को टैग करते हुए कहा कि नोटों की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो क्यों ना हो। उन्होंने कहा है कि एक तरफ महान महात्मा और दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर। एक दिन पहले केजरीवाल की लक्ष्मी गणेश वाली मांग के बाद आम आदमी पार्टी और BJP कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। BJP ने इसे आगामी चुनाव से पहले अपने आप के भयावह हिंदू विरोधी चेहरे को छिपाने की नाकाम कोशिश करार दिया, तो कांग्रेस ने संविधान के धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों के कथित उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। तो बड़ा बयान मनीष तिवारी ने दे दिया है कांग्रेस की तरफ से, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नोटों के सीरीज पर बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए। एक
और बड़ी खबर बता दें आपको प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज में बड़े हादसे होने की खबर सामने आ रही है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि प्रयागराज में सड़क हादसा हुआ है और इंडिया इलाके में ही सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये सभी लोग विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे और फेरा कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से जाकर टकरा गई और मौके पर ही 4 महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है। हादसे में कई घायलों को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। तो प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, प्रयागराज के इंडिया टोल प्लाजा के पास आज सुबह ही भीषण सड़क हादसा हो गया है। इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल भी हैं और ये सभी शिवगढ़ चौराव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रयागराज से विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि करीब 6:30 बजे फेरा गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराने के बाद पलट गई और माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से कार बेकाबू हुई थी। हादसे में 4 महिलाएं और एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां पर यह दुखद खबर सामने आई है, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए CHC उपरदहा भेजा है और वहीं 5 शव CRN अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि टवेरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार को काटकर ही घायलों और मृतकों को निकाला गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि घायलों को निकालना भी मुश्किल हो गया था, जिसके बाद कार को काटकर घायलों और मृतकों को वहां से निकाला गया है। बिजली के पोल से टकराने के बाद कार पलट गई थी और इससे उसके एक तरफ का हिस्सा जो था पूरी तरह से टूट गया था। हादसे के बाद से ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी और एक परिवार के 5 की मौत से गांव में मातम छा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद प्रयागराज में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के क्षति संवेदना भी व्यक्त कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं, जहाँ पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।